Hi students, simple harmonic motion is one of the most important topic for JEE Main, JEE Advanced, NEET, Physics Olympiad. आप किसी भी एग्जाम का नाम ले लीजिए, शायद पिछले कई सालों में एक भी साल ऐसा नहीं गया होगा जिसमें उस एग्जाम में SHM का क्वेश्चन ना पूछा गया हो. That makes this as one of the most important topic for every competitive exam. इस वीडियो में मैं आज SHM का ये कॉन्सेप्ट कवर करने वाला हूँ. वीडियो टाइटल आपने देख ही लिया, टेलर्स मेथड की हम बात करेंगे. टेलर्स मेथड फिजिक्स गैलेक्सी बुक में तो पिछले 25 सालों से है. जी हाँ, 1995 में जब पहली बार फिजिक्स गैलेक्सी बुक रिलीज हुई थी तब से टेलर्स मेथड SHM के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, क्योंकि फिजिक्स ओलंपियाड के लिए मैं 25 सालों से स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ. और फिजिक्स ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्विक टेक्निक्स के अलावा इंटेलेक्ट टेक्निक्स बहुत काम आती है, और टेलर्स मेथड एक ऐसी इंटेलेक्ट टेक्निक है जो लंबे लंबे क्वेश्चन को आप विद इन वन लाइनर सॉल्व कर लेते हैं, तो आप इसको शॉर्टकट ट्रिक भी मान सकते हैं. अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ और इसके एप्लीकेशंस भी बताता हूँ कि हाउ डिफरेंट क्वेश्चंस ऑफ SHM कैन बी क्विकली हैंडल्ड बाय यूजिंग टेलर्स मेथड. सबसे पहले अभी कुछ दिन पहले जब JEE Advanced 2020 का पेपर हुआ था, मैंने उसका एनालिसिस लिया था और एक क्वेश्चन JEE Advanced 2020 में पूछा गया था जो मैंने टेलर्स मेथड से सॉल्व कर दिया था और विद इन सेकेंड्स हो गया था. और अगर उस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से हैंडल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो 15-20 मिनट खा जाता है या काफ़ी लंबा टाइम ले लेता है. तब से स्टूडेंट्स हमको मेल कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर हमने PG बुक में तो पढ़ लिया है लेकिन फिर भी आप एक वीडियो बना दीजिए ताकि एक फील्ड डेवलप हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए, कुछ केसेस आप ले लेंगे. सो फॉर दैट पर्पस दिस वीडियो इज हियर. सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा टेलर्स मेथड पे आते हैं. मैं पहले मेथड एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर इसके एप्लीकेशंस भी ले लेंगे. टेलर्स मेथड इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम टेलर्स थ्योरम, या ये कहें टेलर सीरीज से डिराइव्ड है. टेलर सीरीज एक इनफाइनाइट एक्सपेंशन सीरीज है जो किसी भी फंक्शन के एक पॉइंट के नेबरहुड में एक्सपेंड की जाती है. अगर सीरीज बात करें तो दिस द फंक्शन हाउ इट इज एक्सपेंडेड एंड दिस कंप्लीट सीरीज इज कॉल्ड टेलर सीरीज और टेलर थ्योरम. एक फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन किसी भी एक पॉइंट से अगर पास हो रहा है x इक्वल्स टू a से, तो आप देखें यहाँ x को a डाल दीजिए और पूरे सीरीज में x को a डाल दीजिए तो fx इक्वल्स टू fa आ जाएगा, आगे की टर्म जीरो हो जाएंगे. लेकिन अगर a x के नेबरहुड में कहीं है या a के आगे पीछे कहीं निकालना है तो दिस सीरीज इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द एक्सपेंशन ऑफ दिस फंक्शन. और इसी फंक्शन का एक स्पेशल केस बन जाता है अगर अपन यहाँ पर डाल देते हैं इफ a इज इक्वल्स टू जीरो, तो आप देखो क्या निकल के आता है. ए को जीरो डालते ही फंक्शन मॉडिफाई हो जाएगा, एफ जीरो प्लस एक्स एफ प्राइम जीरो प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ प्राइम एफ डबल प्राइम जीरो एंड सो ऑन. ये सीरीज कहलाती है मैकलॉरिन सीरीज या मैकलॉरिन थ्योरम, जो टेलर्स थ्योरम का ही मॉडिफाइड फॉर्म है एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इक्वल्स टू जीरो. मैकलॉरिन थ्योरम नाम शायद आप में से बहुतों ने पहली बार सुना होगा या कई टीचर्स क्लास में पढ़ा देते हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड और इट इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन एक्सपेंशन ऑफ एनी काइंड ऑफ फंक्शन. जैसे आप ई टू पावर एक्स का एक्सपेंशन कीजिए, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप जीरो डालते जाइए, आगे ए की वैल्यू जीरो डालते जाइए और इस फंक्शन में वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, ई टू पावर एक्स का एक्सपेंशन आ जाएगा. इस तरह साइन एक्स का एक्सपेंशन निकालना है तो भी यहाँ पे साइन एक्स जीरो साइन प्राइम एक्स कॉस जीरो फिर साइन एक्स अगेन वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाओ, साइन एक्स का एक्सपेंशन निकल जाएगा, लॉग वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन निकल जाएगा. एनी फंक्शन यू विश यू कैन डिराइव बाय सीरीज यू कैन डिराइव बाय यूजिंग मैकलॉरिन सीरीज. इस मैकलॉरिन सीरीज को एक बार मैं पढ़ा रहा था SHM के अंदर, एक स्टूडेंट ने बहुत ही मजेदार फनी सा क्वेश्चन पूछा एंड दैट वॉज एनलाइटनिंग फॉर मी ऑल्सो. द क्वेश्चन ऑफ दैट स्टूडेंट वॉज कि सर अगर हम किसी भी फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं तो सर इंटीग्रेशन में मैथ्स में कई सारे केसेस होते हैं जहां पे हम इंटीग्रेशन कर ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं आ रहा, तो क्या हम उस फंक्शन को इस सीरीज से एक्सपेंड कर दें. तो अब तो ये सारा का सारा सिंपल एक्स टू पावर एन से ही इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन कैसा भी हो डिफ्रेंशिएट तो करना हमको आता है, इंटीग्रेशन भले ही नहीं हो रहा हो. तो आप देखो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स टू पावर एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई थ्री एंड सो ऑन, तो चाहे कैसा भी फंक्शन हो इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा, तो क्या हमको नंबर मिल जाएंगे. मैंने सीधा कहा उस टाइम, दैट वाज द टाइम 1995-7 की बात होगी जब आई कैन से कि सब्जेक्टिव हुआ करता था JEE एडवांस या IIT JEE का पेपर, उसमें अगर आपने इसको यूज़ किया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे. अगर कटते भी हैं तो इन दैट केस यू कैन क्लेम और मार्क्स लिए जा सकते हैं इफ़ योर मेथड इज अप्रोप्रिएट. लेकिन अब MCQs की बात करें तो अगर इस फंक्शन से एक्सपेंड करने पे सीरीज कन्वर्जिंग बनती है तो सर्टेनली इंटीग्रेशन का रिजल्ट आएगा. आप करके देख लो, मैं कह सकता हूँ 25-30% इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस मैकलॉरिन थ्योरम से हैंडल हो जाएंगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट इट्स ऑल अप टू योर प्रैक्टिस की क्या कर सकते हो. बट अभी फिजिक्स पे वापस आ जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम एक्सपेंशन यही सीरीज हम काम में लेते हैं फोर्स फंक्शन के लिए. अगर मान लो हमारे पास किसी पार्टिकल का फोर्स फंक्शन देखा जाए
तो एफ ऑफ एक्स अगर SHM के लिए बात हो रही है तो ये हम सबको पता है कि एक पार्टिकल अगर SHM कर रहा है तो वो पोटेंशियल वेल में ऑसिलेट करता है और मीन पोजीशन के नेबरहुड में उस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगता है। सो अगर रीस्टोरिंग फोर्स x का फंक्शन हमारे पास है और हमें सीरीज से एक्सपेंड करें और अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल्स टू जीरो है तो फर्स्ट टर्म तो जीरो हो जाएगी, सेकेंड टर्म बचेगी एक्स एफ प्राइम जीरो, और हायर ऑर्डर्स को भी नेग्लेक्ट कर सकते हो क्योंकि स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब सब नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो फंक्शन डायरेक्टली बन गया एक्स एफ प्राइम जीरो। और अगर ये फोर्स है तो फोर्स को आप इक्वेट कर सकते हो एम ए इक्वल्स टू एक्स एफ प्राइम जीरो, तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल आ गया एक्स एफ प्राइम जीरो डिवाइडेड बाई एम। यू कैन कंपेयर इट विद ओमेगा स्क्वायर एक्स बिकॉज अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स या एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू एक्स आ जाता है तो इट कैन बी इक्वेटेड विद द एक्सेलरेशन ऑफ SHM विद डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म विच इज ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो अब यहाँ से देखिए डायरेक्टली आपके पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आ जाता है रूट ऑफ एफ प्राइम जीरो बाई एम, यही आपका शॉर्टकट है या टाइम पीरियड को लिख सकते हो 2π बाई ओमेगा 2π रूट ऑफ एम बाई एफ प्राइम जीरो। यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास फोर्स फंक्शन निकल गया है तो आप ट्रेडिशनल मेथड पे जाके उसको एनालाइज करके वैल्यू निकालने या प्रोपोर्शनल टू एक्स लाने की जरूरत नहीं है, सीधा डिफरेंशिएट करो जीरो डालो या ए यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन डालो और डायरेक्टली उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो इन वन लाइनर, यू आर गोइंग टू गेट द फाइनल रिजल्ट। कई स्टूडेंट को लग रहा होगा ये ज़्यादा लंबा हो गया, बेटा लंबा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया है। अब जेई एडवांस का 2020 में जो इस बार क्वेश्चन आया था मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे जेई एडवांस के सॉल्यूशन में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, आप उस क्वेश्चन को पहले ट्रेडिशनली करो और देखो मैंने कैसे सॉल्व किया है, विद इन सेकंड आपका रिजल्ट निकलता है, एग्जाम में टाइम सेव होता है और बाकी ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस कितनी है, बिना प्रैक्टिस के आप किसी मेथड पे कमांड अचीव नहीं कर सकते। लेट मी टेक फ्यू एग्जांपल्स सो दैट आप लोगों को एक फील्ड डेवलप हो जाए, एज डेवलप हो जाए ताकि आप इन मेथड्स को अप्लाई कर सको। आइए देखते हैं कुछ केसेस। पोजी प्लीज क्लियर करो। थैंक यू भोजी। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा है इन विच वी आर गिवन दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ फोर्स फील्ड इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन और हमें निकालना ऑसिलेशन पीरियड ऑफ द पार्टिकल अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो पहली बात तो है कि जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन गिवन हो तो डायरेक्ट आप देखो टेलर्स मेथड से वन लाइन में आंसर आ जाता है, कन्वेंशनल मेथड जबकि रिलेटिवली लेंथी चले जाएगा। इस बार का जेई एडवांस का 2020 का क्वेश्चन भी देखो जिसमें पोटेंशियल एनर्जी आर का फंक्शन दिया हुआ था, अगर फिजिक्स गैलेक्सी पे आपको जेई एडवांस 2020 के सॉल्यूशंस खोल के देखोगे तो यू विल सी यू विल रियलाइज कि एक लाइन के अंदर कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया था, जबकि ट्रेडिशनल मेथड से वही क्वेश्चन एक पेज भर देता है और एग्जामिनेशन हॉल में टाइम की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है जेई मेन और नीट एस्पिरेंट को होती है। हम यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और पूरी कैटेगरी जब भी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन गिवन हो आप इसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज हम निकालेंगे रिस्टोरिंग फोर्स और फोर्स ऑन पार्टिकल विच वी कैन कैलकुलेट बाय मॉड ऑफ डी यू बाई डी एक्स। माइनस साइन या सिग्निफिकेंस नहीं रखता, वी आर इंटरेस्टेड इन फंक्शन क्योंकि हमको पता है फोर्स रिस्टोरिंग ही होगा, देन ओनली पार्टिकल कैन ऑसिलेट। सो इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये आ गया यू नॉट ए साइन ऑफ ए एक्स और इक्वल टू जीरो करोगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन देखो एक्स इक्वल्स टू जीरो पे ही आ रही है। अगर एक्स इक्वल्स टू जीरो की जगह कुछ और होता तो हम ओरिजिनल टेलर थ्योरम एक्स इक्वल्स टू ए के लिए अप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे आप देखें सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे, जो भी फोर्स निकल के आया है इसका एफ प्राइम जीरो कैलकुलेट कर लीजिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो अगर यहाँ पे हम एफ प्राइम जीरो कैलकुलेट करते हैं तो यह आता है यू नॉट ए स्क्वायर कॉस ऑफ जीरो और cos of a multiplied by 0 that comes out to be u not a square. If we are having f prime 0, तो आपको अच्छी तरह से पता है ये f prime 0 को हम क्या करेंगे, acceleration होगा f prime 0 divided by m. So angular frequency of oscillation is root of f prime 0 by m. So यहाँ से directly हम अब लिख सकते हैं time period of oscillation is 2π root of m by f prime 0. यानी यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ गया 2π रूट ऑफ m बाई यू नॉट ए स्क्वायर, यही इस क्वेश्चन का आंसर है वन लाइन, क्योंकि ये रिलेशन अभी पिछली स्क्रीन पे मैंने निकाला था। सो आप बस यही टिप्स पे ध्यान में रखिए कि फोर्स का f प्राइम जीरो निकाल के सब्सटीट्यूट कर दो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा। ये तो एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, आप सेम कॉन्सेप्ट उठा के आप जेई एडवांस के केसेस में देख लीजिएगा और ये सेम क्वेश्चन जेई मेन में भी पहले पूछा गया है, काफ़ी साल पुराना है तो एग्जैक्ट मुझे ईयर ध्यान नहीं है, लेकिन जब भी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शंस होंगे यू कैन डायरेक्टली यूज दिस रिलेशन। आइए देखते हैं कुछ और केसेस और उससे और आपकी एडवांस थिंकिंग बिल्ड हो जाएगी आउट ऑफ अप्लाई टेलर थ्योरम इन डिफरेंट केसेस। पोजी प्लीज क्लियर करो।
थैंक यू भाजी. सो स्टूडेंट, अगर एक और क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन से आपको और फंडामेंटली क्लियर हो जाएगा कि टेलर थ्योरम कितनी काम करती है. और मैं सजेस्ट भी करूंगा कि इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद आप इस क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. क्वेश्चन में दिया गया, इन द गिवन सिचुएशन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस ऑफ बॉल टू. एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ. दो बॉल्स हैं, वन और टू. वन फिक्स है, दोनों पे चार्ज क्यू है. स्प्रिंग का फोर्स कॉन्स्टेंट के गिवन है और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, यानी एल, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रिक रिपल्शन एक दूसरे से बैलेंस हुए हैं. सो अब इस सिचुएशन में अगर टू को थोड़ा सा हिलाया जाए तो जो SHM होगा उसका टाइम पीरियड निकालना है. अब देखो, अपन यहाँ से क्या करते हैं, इसको एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करते हैं बॉल टू को. तो मीन पोजीशन x इक्वल्स टू जीरो पे है, तो x डिस्प्लेस करने के बाद इस पर रिस्टोरिंग फोर्स निकाल लेते हैं. जस्ट हैव अ लुक ऑन द सिचुएशन. यहीं सॉल्व करता हूँ, इतनी सी जगह में ही हो जाएगा. रिस्टोरिंग फोर्स अगर निकाला जाए, रिस्टोरिंग फोर्स ऑन बॉल टू, जस्ट हैव अ लुक ऑन द सिचुएशन. हम इसकी नेचुरल लेंथ है, लेट एल नॉट बी द नेचुरल लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग. काम नहीं आएगी नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की, एल नॉट मान लेते हैं. तो जब ये एक्स इलोंगेटेड होगा तो इसका टोटल स्ट्रेच कितना होगा. इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्ट्रेच था एल माइनस एल नॉट, अब एक्स और आ गया. तो रीस्टोरिंग फोर्स को हम डायरेक्टली कह सकते हैं के मल्टीप्लाइड बाई टोटल लेंथ हो गई अभी एल प्लस एक्स, तो एल प्लस एक्स माइनस एल नॉट. ये इनवर्ड फोर्स लग रहा होगा इस पे, के टाइम्स वाई इलोंगेशन, और अवे फोर्स लग रहा होगा 1 बाई 4 पाई एप्सिल नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई एल प्लस एक्स होल स्क्वायर, विच वी कैन राइट डायरेक्टली बाई कूलम्स लॉ. सो दिस माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिल नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर. आपको पता है ये फोर्स लिखते ही क्वेश्चन खत्म हो गया. हमको निकलना है टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन. ये फोर्स एक्स का फंक्शन है. सो डायरेक्टली मैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन लिख सकता हूँ 2 पाई रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाई एफ प्राइम जीरो. एंड वॉट इज एफ प्राइम जीरो इन दिस केस, डिफ्रेंशिएट करो भैया इसको. तो यहाँ पे ये आ गया के टाइम्स एक्स अपना वन हो जाएगा, एल जीरो हो जाएंगे, दिस के ओनली माइनस वन बाई फोर पाई एप्सिल नॉट क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अच्छा एल प्लस एक्स होल स्क्वायर है तो ये आ जाएगा माइनस टू बाहर, यानी ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा, नीचे एल प्लस एक्स का क्यूब, एक्स को जीरो डालोगे दिस एल क्यूब. क्वेश्चन इज ओवर, यानी टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑसिलेशन इज टू पाई रूट ऑफ एम बाई के प्लस वन बाई फोर पाई एप्सिल नॉट इंटू टू क्यू स्क्वायर. टू से इसको हटा देते हैं अपन. सो दिस टू पाई एप्सिल नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई एल क्यूब, ये आपका आंसर है. देखो कितना फास्ट अपन ने रिजल्ट निकाल लिया. अब मैं चाहूँगा जिन स्टूडेंट को इस मेथड पे डाउट है, इस क्वेश्चन को, अब देखो यहाँ पे एल नॉट काम भी नहीं आया. ट्रेडिशनल मेथड में क्या करना पड़ता, पहले इक्विलिब्रियम पोजिशन के लिए फोर्सेस बैलेंस करते, फिर एक्स डिस्प्लेस करके वैल्यू निकालते, फिर उसको प्रोपोर्शनल टू एक्स बनाने की कोशिश करते, और फिर फाइनली ओमेगा स्क्वायर एक्स से इक्वेट करके निकालते. आई प्रेफर आप लोग इस वीडियो को, जस्ट अभी मैं लास्ट ही ले रहा हूँ और कोई एग्जांपल लेने की जरूरत भी नहीं है. ये जो दो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं दैट इज़ कम्प्लीटली एक्सप्लेनिंग हाउ टेलर्स मैथड इज अप्लाइड ऑन सिचुएशंस ऑफ SHM. सो ऑल दो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं और SHM के क्वेश्चन चाहे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स हो, ऑप्टिक्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, मैग्नेटिज्म हो, हर जगह अप्लाई हो सकते हैं, बट केयरफुल अप्लाई करना है. सो आप इस मेथड को अच्छे से समझ लें, अप्लाई करके देख लें. PG बुक में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं, या मैंने कवर कर दिया, बुक की आपको ज़रूरत नहीं है. सो यू जस्ट फॉलो द थिंग्स एंड कैरी इट ओवर. चाहे आप नीट की, मेन की, एडवांस की, ओलंपियाड कहीं भी प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस मेथड इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. विश ऑल द बेस्ट.